हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस कहते किसे हैं? टाइम के अकॉर्डिंग जो स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट एक्शन को डिनोट करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। कैसे देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, राम इज अ डॉक्टर। तो ये क्या हो गया? राम का स्टेट हो गया, राम इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। अब हम बात करते हैं एक्शन की। राम इज सिंगिंग, राम गा रहा है। तो सिंगिंग क्या हो गया? एक्शन हो गया। चलिए, ये तो हमने बात कर ली टेंस की। अब जैसे हमारे पास ये एक लिखा हुआ है स्टेटमेंट कह सकते हैं हम, तो इस स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचाने किसी भी सेंटेंस के। तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर हमें क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहा है किसने किया, मतलब इस टाइप से अगर हमें कोई मिल रहा है, जैसे कौन, किसने, कैसे, अगर ऐसे हमें कुछ आंसर्स मिल रहा है किसी क्वेश्चन के, तो हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है तो वह जो व्यक्ति है वो कौन है? सब्जेक्ट है। अब जैसे क्या है, राम इज अ डॉक्टर, तो कौन डॉक्टर है? राम। तो क्या आ गया? राम सब्जेक्ट है। कौन गा रहा है? राम गा रहा है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट पहचानने का तरीका। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे राम क्या कर रहा है? राम गाना गा रहा है। तो राम के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है? सिंगिंग, गाना गाने का काम किया जा रहा है। तो फिर ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। चलिए, अब टाइम के अकॉर्डिंग हमारे टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। फ्रेंड्स, टेंस बहुत ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो मैं एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 3 से 4 वीडियो टेंस के प्रोवाइड करूंगी। आप तो सभी वीडियोस को देखिए, आपको टेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, टाइम के अकॉर्डिंग हमने टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वर्तमान। पास्ट भूतकाल, मतलब जो टाइम निकल चुका है। फ्यूचर भविष्य, मतलब जो आने वाला है। तो ये तो हो गए हमारे टेंस के टाइप, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमने हर टेंस को अलग अलग भी टाइप्स में डिवाइड किया है, उनके टाइम्स के अकॉर्डिंग उनके। सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनेट टेंस की, फिर बात करेंगे कंटिन्यूअस की, फिर हम बात करेंगे परफेक्ट की, फिर हम बात करेंगे
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअसली, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअसली। तो फ्रेंड इस तरीके से पहले हमने टेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने उनके हर पार्ट को चार पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जैसे इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमारा टेंस में हमने डिवाइड किया है। इस तरीके से हम एक एक चीज को एक एक को धीरे धीरे पढ़ेंगे। इंडेफिनेट अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की, तो मैं उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, सब चीज एक एक चीज छोटी छोटी चीज को एक्सप्लेन करूंगी। चलिए आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है ऐसे आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट टेंस समझते हैं। जैसे वह खाता है, वह करता है, वह जाता है, तो मतलब अभी की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट हो गया। अब अगर पास्ट में देखें तो पास्ट में क्या होगा, वह खाता था, वह जाता था, वह गाना गा रही थी, तो जिसमें था है, थी है, थे है आ जाते हैं, तो वो हमारा किसमें चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, भविष्य की, तो हम क्या बात करेंगे, वह खेलेगा, वह खाएगा, वह जाएगा। तो इस तरीके से टाइम्स के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड कर दिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज तो मैंने आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है टेंस का, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगी, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी आपको। आज हमने बात कर ली सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई आज के, वो आज का हमारा। अब हम कल बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सो फ्रेंड्स थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड हो और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। सो थैंक यू दोस्तों।